नमस्कार दोस्तों, और आज वो दिन आ गया है जो हमने पार्सल ऑर्डर किया था। इसमें से आप देख सकते हैं, देखिए कि ये दो अमेज़ॉन से हमने ऑर्डर किया था। मेरे ख्याल से ये तीन और हमारे पार्सल्स बाकी है, ये दो आ चुके हैं। तो मैं जा रहा हूँ इसका अनबॉक्सिंग करने। तो आइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ इस पार्सल में क्या आया है अभी हमको देखना है। मेरे साथ, मेरे पीछे देखो, आपको दिखा देता हूँ। फाजगे सिस्टर बैठी है, उनको भी इंतजार है कि इसमें इधर पास आ क्या जाओ। आया है। मेरे हिसाब से इसमें है जो हमने हुक्स ऑर्डर किया था वो हुक्स इसमें, और ये रहे हुक्स जो आप बाथरूम में, किचन में, आप कोई भी, जैसे आपका जो यूज में आने वाली चीज है उसको हैंग करने के लिए ये हुक्स का यूज कर सकते हो। तो ये रहे वो, कितने विक्स है, हुक्स है ये, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और 10। ये 10 हुक्स है जो हमको कोई भी चीज़, जैसे आपको यहाँ हैंग कर देना है, आप यहाँ अपनी कोई भी यूजेबल, जैसे कि टॉवेल आपको हैंग करना है, अगर आपका टूथब्रश टूथपेस्ट का स्टैंड है उसको हैंग करना है, तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसका आपको डेमो दिखाऊंगा। तो चलो, अभी मैं यहाँ आपको ये बाथरूम में, इसके पीछे एक ट्रांसपेरेंट एक प्लास्टिक है जो इस तरह से आपको निकालना है, और मैं यहाँ आपको यहाँ हैंग करके इसको, मतलब स्टिक कर रहा हूँ, जो आपको, जैसे मुझे ये अभी टूथब्रश का और टूथपेस्ट का जो स्टैंड है उसको हैंग करना है, तो ये थोड़ा सा डायरेक्शन नीचे में। पूर्वक के हाथ आना चाहिए। तो यहाँ हमने इसको स्टिक कर दिया है। अब देखते हैं कि ये कितना वेट होल्ड कर सकता है, मतलब कितनी कैपेसिटी है इसकी कि इतना वेट वो कैपेबल कर सके। तो ये हमने यहाँ स्टिक कर दिया है अच्छे से। अब देखते हैं ये हैंग कर सकता है क्या। इसको मिडल में हम लोग इस तरह से, ये यहाँ हैंग कर सकता है, मिडल में करना पड़ेगा। देखो, आप देख सकते हो टूथपेस्ट के स्टैंड को हैंग कर चुका है। लगा ये स्टैंड मुझे बहुत हैंगर, अच्छा लगा ये स्टैंड। क्या यूज करेगी तू? मैं यहाँ पे अपनी स्टेशनरी का वो जो वो है ना हैंगर, सामान रखने वाला जो बाउल है उसको ये रखा। देखो, ये पूर्वा ऐसी है, उसको क्या हैंग करना है वो खुद याद नहीं आ रहा है, और बोल दिए कि मुझे ऐसा लगाओ। और मैं तो, तुझे कैसे लगा ये, तुझे कितने चाहिए इसमें से? मैं अभी पहले यूज करके देखूंगी एक, और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं तीन चार लूंगी। तो ये खुद चार लेंगे तो बाद का कहाँ यूज, बाकी का कहाँ यूज करेंगे? तीन चार नहीं, दो तीन। हाँ ये सब तो नहीं लगा। ठीक है। ये तो बहुत दोस्तों, यूज ये था हैंगर वाला, और अभी चलते हैं दूसरा बॉक्स जो आज की डेट में हमारे पास आया है एक अमेज़न मिनट से। गैस। आपने आज क्या खरीदा? इसी तरह ये है अमेज़न का
ऑर्डर और हमको खुद पता नहीं कि इसमें क्या, क्या है, है। पूरा तू बता क्या है उसमें, मुझे खुद नहीं पता, गेस तो कर। मुझे नहीं पता है, मुझे मुझे मत मुझे लगता है इसके अंदर बैग है, स्कूल बैग, स्कूल बैग में, स्कूल बैग नहीं। मुझे ये भी याद नहीं है कि पापा ने क्या मंगाया था। ये रहा हमारा अनबॉक्सिंग, क्या हो सकता है इसमें, मुझे खुद आइडिया है नहीं। हमने ऑर्डर किया था, मुझे लग रहा है इसमें हो सकता है बैग, बैग ऑर्डर किया हमने, बैग से मर के कपड़े रखने के लिए ऑर्डर किए थे। और ये खुल चुका है, ये ये रहा इसमें हो सकता है क्या, मुझे लग रहा है वही हो सकता है, मगर ये इसका वजन भी है और जैसे कि हमने गेस किया था इसमें वही है जो बैग आ गई है। पीलो दिखा रहा है, पीलो नहीं है, अ गिफ्ट टू योर सेल्फ। अच्छा हुआ माय सेल्फ नहीं लिखा। और खुल जा सिम से, ये खुल गया दोस्तों और यहाँ आ गई है। क्या है, कलर कौन सा है इसमें, वाइट में ही है सभी, आई थिंक चार बैग होने चाहिए, ओकटी रंडू मूलू नालू, तो देखते हैं कितने बैग्स है, इतना बड़ा डब्बा उसमें इतना छोटे रंडू मूलू, अरे तीन ही निकला, जहां तक हमने देखा था उसमें थे चार बैग्स, पर है तो साइज से बहुत बड़े। और इसमें आप देखो खुलेगा कहाँ से, इसमें नेट भी है, ये देखो ये मतलब जो भी आप इसमें जैसे कि कपड़े पैक करके रखोगे तो स्मेल, तो इसको स्मेल भी आपको नहीं आएगा। ये रहा साइज इस बैग का, साइज थोड़ा सा कम है, ऐसे करके आप इसमें अपना जो भी चादर है ब्लैंकेट्स है इसमें आप रख सकते हो, या फिर समर के ड्रेस। इसमें आई है थ्री बैग्स, तीनों बराबर, एक ही साइज एक ही कलर। तो अभी हमारा अगला ऑर्डर क्या क्या बचा है, वाओ इसको हैंडल भी मतलब क्या बोलते हैं इसको पकड़ने के लिए भी दो साइड से, मतलब आप मतलब इसके ऊपर लटका भी सकते हो, रखो लटकाने के लिए नहीं उठा के रख सकते। तो दोस्तों ये था अनबॉक्सिंग, आपके सामने ये थ्री बैग्स आए हैं और दूसरा था ये छोटे छोटे मगर बहुत ही यूजफुल हैंगर्स, पुक्स नहीं बोल सकते इसको, हैंगर बोलो ताकि ये हैंग करके आप कुछ भी आपके काम की चीज इसको हैंग कर सकते हो, पुक्स में या हैंगर दोनों भी बोल सकते। और तो, आप कमेंट में प्लीज बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सी चीज अच्छी लगी। तो अभी हमारे क्या क्या बचेगा ऑर्डर, सबसे जिसका है इंतजार मुझे वो है हमारी चेयर जो आने वाली है, और टेबल दो स्टडी टेबल्स है जो तुम्हारे लिए ऑर्डर किए है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा,
कमेंट्स करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, तब तक कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।